नमस्कार साथियों, सीबीबी कल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई की 100% सही और सटीक जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहेगी। आज बात करेंगे दिल्ली आईटीआई की सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में। जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको बेसब्री से इंतजार है सेकेंड लिस्ट का। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था 18 से लेकर 19 तारीख तक जो है उनकी वेरीफिकेशन हुआ, यानी फिजिकल वेरीफिकेशन हुआ। इसके बाद जो है 21 तारीख तक जो है उनका जो पेमेंट था वो करना था 21 तारीख तक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे डेट दिया गया है 23 से लेकर 25 जुलाई तक जो है आप अपने आईटीआई ट्रेड में जो भी आपने फॉर्म में फिल किया था कॉलेज और ट्रेड उसमें जो है फेर बदल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो 23 से लेकर 25 तारीख तक जो है ये वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पर जो है आप अपना संशोधन कर सकते हैं। 25 जुलाई के बाद संशोधन करने के बाद दोस्तों फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी और जो मेरिट लिस्ट है सेकंड वाली वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ शेड्यूल, यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है पब्लिश ऑफ सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, 30 जुलाई को जो है आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। फिर इसके बाद जो है अगर आप इसके में इसमें आपका नाम आ जाता है सेकेंड राउंड में तो फिर वही प्रक्रिया पूरी करनी होगी जैसे आपने फर्स्ट राउंड में किया था। जैसे यहाँ पे देखिए 30 जुलाई को अगर आपका नाम आ जाता है तो नाम आने के बाद जो है आपको फ्रीज या फिर जो है अपग्रेड करना होता है। जो लोग फर्स्ट राउंड में जो है अपग्रेड किए हैं वो भी जो है अपना इसी राउंड में जो है अपना नाम चेक कर पाएंगे कि उनका कॉलेज या ट्रेड चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप जो है अपनी एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जो है आप एडमिशन जो है सेकेंड राउंड का यहां पे पूरा कर पाएंगे। इसके बाद जो है अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट राउंड में भी नहीं आया, सेकेंड में भी नहीं आया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा थर्ड राउंड के लिए। जो थर्ड राउंड है वो जारी होगा 12 अगस्त को। फिलहाल जो है 12 अगस्त अभी लंबा है तो आप वहाँ पे वेट करिए दूसरे राउंड का। 30 जुलाई को जैसे आएगा आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।